दोस्तों ये देखिए मेरे कोलियस के प्लांट हैं। कोलियस का प्लांट बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है और ये इंडोर प्लांट होता है। और अगर आप इसको छोटे पॉट में भी लगाएंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करता है। इसमें फूल भी आते हैं लेकिन जो इसके पत्ते होते हैं इसी से इसकी जो है सुंदरता बढ़ जाती है। ये देखिए इसमें अलग अलग कलर के जो प्लांट है मेरे पास, ये देखिए एक कलर का ये है और एक कलर का ये है और कुछ एक दो कलर के ये नीचे पड़े हुए हैं। तो ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसको इस समय कटिंग के थ्रू अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं और उसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं और उसमें मिट्टिंग कैसे चाहिए होती है कि जिससे कि इसमें अच्छी ग्रोथ हो। तो आप वीडियो में बने रहिए और जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये जो कोलियस का प्लांट होता है ये अगर आपने इसकी अगर टाइम से रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करी तो ये देखिए इस प्रकार से हो जाता है कि मेरा पुराना पौधा है, ये देखिए कितना फैल गया है। उसके बाद इसकी सो पूरी ख़राब हो जाती है। अगर इस समय आप इसको दोबारा कटिंग से लगा दें तो ये पौधा मैंने कटिंग से लगाए हैं देखिए इस टाइप से सो देगा। और अगर इसकी ग्रोथ अगर अच्छी लेना चाहते हैं, जो इसका ऊपर का हिस्सा होता है अगर इसको आपको पूरा घना बनाना है तो जो इसका ऊपर का हिस्सा होता है इसको अगर इस टाइप से पिंचे कर देंगे, ऊपर का हिस्सा निकाल देंगे। जैसे ये पौधा है देखिए, ये पौधा जो है इसमें ऊपर का जो ये नई ग्रोथ आ रही थी इसको इस टाइप से इसको कट कर देंगे तो इसमें नई नई ब्रांच आएंगी और ये पौधा घना हो जाएगा। तो आप अगर पौधे को अगर आपका ऐसा हो गया है, कई लोग जो लगाते हैं कोलियस का पौधा तो बाद में जब अच्छी ग्रोथ कर लेता है उसके बाद ये देखिए ख़राब जैसा हो जाता है, पूरा फैल जाता है। तो आप इसको नई कटिंग से दोबारा ग्रो कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे ग्रो करना है इसको कटिंग से। ये देखिए मैंने कुछ पौधे जो कटिंग से लगाए हुए हैं ये करीब 15 या 20 दिन हो रहे होंगे उनको। और देखिए इसमें कितनी जड़ें निकल गई हैं। अगर मैं आपको ये निकाल के दिखाऊंगा, कोलियस का पौधा ग्रो करना बहुत आसान होता है। इसको आप कैसी भी मिट्टी में लगा दीजिए ये आसानी से ग्रो हो जाता है। ये देखिए इसमें जो जड़ें निकल गई हैं इससे आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं और जो पुराने पौधे जो ख़राब हो गए हैं उनको निकाल के आप नए पौधे लगा दीजिए। जैसे कि ये कोलियस का प्लांट ये पुराना वाला है, इसमें जो आपको दिख रहा होगा ये कटिंग लेनी है इस प्रकार से, एक नोड और दो नोड, दो नोड से नीचे से आप इसको कट कर दीजिए। दो नोड होनी ज़रूरी है इस प्रकार से, देखिए एक नोड दो नोड। इसके बाद इसको आप यहाँ पर से कट करके जो ये ऊपर के पत्ते हैं इनको आप निकाल देंगे, क्योंकि अगर पत्ते अगर इसमें होंगे तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से आप इतने ऊपर का हिस्सा जो दो मैंने जो देखिए साइड से जो पत्ते हैं ये निकाल दिए और ऊपर का जो पत्ते हैं इनको ऐसे ही रहने दिया है। अब इसको आपने क्या करना है, कभी भी आप कोई पौधे की कटिंग लगाते हैं तो इस प्रकार के डिस्पोजल ग्लास लें। मैं इन्हीं में लगाता हूँ ज़्यादातर कटिंग। तो डिस्पोजल ग्लास में ये होता है कि छोटा पौधा रहेगा तो उसमें पानी की मात्रा भी कम होगी जिससे कि आपके उस पौधे में फंगस से ख़राब नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप डिस्पोजल ग्लास लेंगे, उसमें नीचे से ये देखिए मैंने होल कर रखे, इसमें आप रेते वाली मिक्स जो मिट्टी है उसको भर दीजिए। आप खाली रेते में भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जो रेता है उसको भर दीजिए और जो आपने ये कटिंग लगा ली है ये दो नोड हैं देखिए, दो नोड से नीचे आपने कट करना है। उसके बाद इसमें आप जो एलोवेरा होता है एलोवेरा आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है, एलोवेरा का जो जेल है वो लगा देंगे। अगर एलोवेरा नहीं है आपके पास तो आप हल्दी पेस्ट भी लगा सकते हैं। हल्दी पेस्ट भी जो है रूट ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। एलोवेरा का जेल जो लगा दिया हमने, उसके बाद आप इसमें इसको ऐसे लगा देंगे देखिए, इस प्रकार से लगाकर उसके बाद इसमें देखिए हल्का सा पानी डाल देंगे। मैं इसको पानी में डिप कर दे रहा हूँ इस तरीके से। और इसमें पानी तभी डालना है जब इस पौधे की जो मिट्टी सूख जाएगी। रेते वाले जो मिट्टी होती है उसमें आपका पौधा जो है फंगस भी नहीं लगेगा और अच्छी ग्रोथ करेगा अगर आप रेते में इसको कटिंग लगाते हैं। तो इसके बाद इसको छाया वाली जगहों में रख देंगे और जब सुबह की धूप आती है दो तीन दिन बाद तो सुबह की धूप दिखा देंगे एक दो घंटे की, तो उसके बाद इसको फिर छाया वाली जगहों में रख देना है। उस प्रकार से आपकी कटिंग जो है 10 से 15 दिन के अंदर आपकी ये कटिंग ग्रो कर लेगी और इसमें जड़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कोलियस का पौधा है आपने जो लगा दिया है इसकी ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद आपने इसको कैसी मिट्टी में लगाना है जिससे कि अच्छी ग्रोथ करे। देखिए मैंने जो पुराना पौधा लगाया था
उसी में इसको लगा रहा हूँ। और इसमें मिट्टी भी, जो आपकी जो पुरानी मिट्टी है वो भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। ये इसमें सबसे पहले जो नीचे जो होल होंगे उसमें इसको बंद कर दिया। किसी भी चीज़ से आप छोटी ईंट के टुकड़े या किसी भी चीज़ से आप उन होलों को हल्का सा बंद कर दें जिससे कि मिट्टी बाहर न बहे। उसके बाद आप देखिए ये रेता है पूरा, ये रेता आपको कंस्ट्रक्शन साइट में मिल जाएगा। इस प्रकार से आप रेता ले सकते हैं। और जो ये गार्डन सॉइल जो मेरी पुरानी वाली है, ये देखिए ये गार्डन सॉइल, ये पुरानी मिट्टी जो इसमें गमले से निकाली है वो भी यूज कर सकते हैं इसमें। और थोड़ा ये पहले की जो सूखी हुई मिट्टी है ये भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको जो रेता है थोड़ी मात्रा में, जो गार्डन सॉइल जो पुरानी आपकी निकली है उसमें थोड़ा मात्रा में रेता मिला दीजिए जिससे कि आपकी मिट्टी जो है पोरस बनेगी। इस प्रकार से आप मिट्टी को मिला दीजिए और इस मिट्टी को आप इसमें भर दीजिए। ये जो मिट्टी बनी है इसका जो अनुपात रहेगा आपका मिट्टी का, 40% जो गार्डन सॉइल होती है वो ले लीजिए और इसमें 30% आप जो है रेता, रेता नहीं है तो आपके पास तो आप जो कोकोपीट आता है वो ले लीजिए 30%, और जो 30% जो बचा उसमें आप गोबर की खाद मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आप मिट्टी तैयार करेंगे और जो ये जो पौधा निकला है इसको इस मिट्टी में इस तरीके से लगा देंगे। क्योंकि इसमें जड़ें बन गई हैं तो आप इसको इसमें हल्का पानी डाल दीजिए इस प्रकार से, और जो जड़ें बन गई हैं इसमें तो ये आपका पौधा ख़राब भी नहीं होगा और ये जल्दी ग्रोथ करेगा और कुछ टाइम में यह आपको पूरा घना दिखेगा इस प्रकार से। और घना करने की मैंने आपको टिप्स बताई रखी, अगर ये थोड़ी सी ग्रोथ कर लेगा उसके बाद इसके ऊपर का जो टॉप एरिया होगा उसको आप पिंच कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कोलियस की कटिंग अभी तैयार कर लीजिए जिससे कि आपका जो पुराना पौधा है वो ख़राब हो जाएगा तो आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो ये वीडियो बनाया कोलियस के उसमें आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।